राम राम जी, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने YouTube चैनल गोल्डन नंबर वन क्लासेस पर। तो बिग अपडेट लेकर आए हैं कि हरियाणा CET TGT की आज कोर्ट में सुनवाई थी, तो रिजल्ट को लेकर जो सुनवाई थी उसकी क्या अपडेट रही है, कब तक रिजल्ट आ सकता है, बच्चों की ज्वाइनिंग कब तक होएंगी। बहुत से बच्चे हैं जो आस लगा के बैठे हैं, एग्ज़ाम दिया है, आस लगा रखी है कि उनकी ज्वाइनिंग हो सकती है, लेकिन रिजल्ट को अभी केस चल रहा है तो केस की सुनवाई होनी थी, क्या रिजल्ट रहा उस पर हम डिस्कस करेंगे। 5 नंबर जो सोशियो इकोनॉमिक के मिलने वाले थे, क्या वो 5 नंबर मिलेंगे या नहीं, क्या वो 5 नंबर मिलेंगे या नहीं, उस पर हम डिस्कस करेंगे। कब तक रिजल्ट आने की संभावना है, सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो आज दो सुनवाई थी, एक CET और TGT की। तो इसके अंदर क्या रिजल्ट रहा है कि जो CET था उसके अंदर CET मेंस में 56-57 जो ग्रुप है इसकी सुनवाई थी, इस पर लगभग 20 केस चल रहे हैं, 20 केस। एंड 20 केस के अंदर क्या है कि इसका रिजल्ट की सुनवाई आज होने वाली थी, लेकिन AG ने क्या कहा कि इसकी सुनवाई की डेट जो है एक्सटेंड कर दी, डेट इसकी एक्सटेंड कर दी है, यानी कि डेट एक्सटेंड करके जो कि आज सुनवाई थी, आज सुनवाई इसकी नहीं हुई है और डेट एक्सटेंड करके इसकी सुनवाई की डेट रख दी है 2 अप्रैल। अब 2 अप्रैल को फिर से सुनवाई होगी, अब क्या पता इस दिन रिजल्ट निकलता है या नहीं निकलता। बच्चे बहुत उम्मीद लगा के बैठे थे, हर कोई YouTube, टेलीग्राम या फिर जो सोशल साइट है इनकी, गवर्नमेंट साइट है, उस पर बच्चे जो कि है देख रहे थे कि क्या रिजल्ट रहता है क्या नहीं, एक्साइटेड थे, उम्मीद लगा के बैठे थे, हर कोई अपना मन से देख रहा था कि हमारा रिजल्ट आज आ जाएगा, उम्मीद तो थी क्योंकि मेहनत की थी सबने, तो रिजल्ट तो वो चाहते थे। लेकिन क्या हुआ, उन सब बच्चे हो गए मायूस। मायूसी का कारण क्या, सुनवाई कम से कम सुनवाई तो हो जाती, सुनवाई नहीं हुई, सुनवाई ना होकर डेट को एक्सटेंड कर दिया। अब जो 5 नंबर थे सोशियो इकोनॉमिक के, सोशियो इकोनॉमिक के जो 5 नंबर मिलने थे इसके ऊपर भी सुनवाई थी, अब इसका क्या रहा, इसके ऊपर भी सुनवाई नहीं हुई। अब जो इसकी डेट है उसका रख दिया 21 मार्च, आज 19 मार्च है, 20 और 21, 21 मार्च को इसकी फिर से सुनवाई होगी। अब देखते हैं क्या इसकी भी डेट को एक्सटेंड करते हैं या नहीं। डेट एक्सटेंड हुई तो ऑब्वियस है ये इलेक्शन तक आगे चलती रहेगी, लोकसभा की इलेक्शन है, अब इनको बेनिफिट क्या रहेगा, क्या सोच के कर रहे हैं क्या नहीं, वैसे तो रिजल्ट निकाल देना चाहिए लेकिन यस एक्सटेंड कर रहे हैं 21 मार्च की फिर से। अभी बच्चे जो है होप लगा के बैठे हैं कि इनके लिए पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं पता। अब क्या है, CET जो मेंस है, CET मेंस जो 56-57 ग्रुप था इसकी सुनवाई बीच में अटकी हुई है। अब जब तक इसकी सुनवाई नहीं होगी, अब जो CET का रिजल्ट आया था ग्रुप डी का, इसके अंदर 6800 पोस्ट वैकेंट थी, वैकेंट पोस्ट के अंदर अब इनकी भी ज्वाइनिंग करनी है, अब ज्वाइनिंग के लिए वेट हो रहा है बच्चों का 56-57 पे। अब 56-57 का रिजल्ट आएगा तो बच्चे कुछ इसमें जाएंगे, इसमें जाएंगे तो फिर से क्या होगी, सीट खाली होंगी, ठीक है। तो इसके रिजल्ट के बाद ही इन सीट्स की जो है रिजल्ट आएगा कि अब आगे किन किन की ज्वाइनिंग होगी। तो इस सारा का सारा जो है मसला बीच में अटका हुआ है, जो आज सुनवाई होनी थी वो सुनवाई नहीं हुई, सीधा AG ने कह दिया वही जज साहब आगे हमें डेट दे दीजिए, आगे डेट है फिर हम सुनवाई करेंगे, इसका हम कंक्लूजन पे जाएंगे। तो जो होप थी बच्चों की वो टूट चुकी है, उम्मीद ना के बराबर रही है कि किसी को नहीं पता कि गवर्नमेंट क्या करेगी क्या नहीं करेगी, बस होप है, होप हर कोई रखता है, लेकिन होप क्या होगा, सही चलेगी नहीं चलेगी, तो इसके लिए सब उम्मीद लगा के बैठे हैं। तो 21 मार्च को पता चलेगा कि जो ये बात बोल रहे हैं क्या ये सच है या नहीं है। अगर 21 मार्च को कोई अच्छा कंक्लूजन लेते हैं तो आगे की होप बनी रहेगी,
नहीं लेते तो वही है, इनके इलेक्शन पे भी असर जा सकता है। हर किसी की उम्मीदें होती हैं, हर किसी की मेहनत होती है, लेकिन ऐसे रिजल्ट से सबकी उम्मीदें टूट चुकी है, बच्चे मायूस हो चुके हैं। तो सीईटी की जो डेट है वो 2 अप्रैल की रखी है और सोशियो इकोनॉमिक का जो 5 नंबर का था उसकी डेट 21 मार्च की रखी है। तो 21 मार्च को देखते हैं क्या रिजल्ट रहता है। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर किसी को अपडेट मिलती रहे इससे रिलेटेड। एंड मिलते हैं 21 मार्च को फिर से एक नई अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।